नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। ब्राह्मण समाज राजस्थान जयपुर जिला देहात के द्वारा 13 फरवरी 2022 को चोमू में चतुर्थ सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में मां नव दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर चोमू में स्वामी योगेंद्राचार्य महाराज के सानिध्य व जिलाध्यक्ष भुवनेश तिवाड़ी की अध्यक्षता में स्वस्ति वाचन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। जिला महासचिव बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि बैठक का आयोजन करके सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। चोमू शहर के मोरिजा रोड पर स्थित कांग्रेस कार्यालय गोठवाल भवन पर पूर्व विधायक भगवान साय सैनी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भारत के संविधान निर्माता व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व विधायक सैनी ने बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनन्य कोटि के नेता थे, जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत के कल्याण कामना में उत्सर्ग कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। बूंदी में सोमवार को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने राष्ट्रीय आह्वान पर मीरा गेट बूंदी में एक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाने के लिए नारेबाजी की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अनिस अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वह सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना बाबरी मस्जिद गिराना गैर कानूनी था, लेकिन आज तक किसी भी गुनहगार को सजा नहीं दी गई, जिससे सांप्रदायिक ताकतें अब मथुरा की ज्ञानव्यापी मस्जिद निशाना बना रहे हैं। ऐसे में गुनहगारों को सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। रविवार को मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़, पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर ने शूटिंग रेंज, टेनिस कोर्ट व नए भवन का उद्घाटन किया। उसके बाद मेजर शैतान सिंह की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर अति संभागीय आयुक्त गजेंद्र सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, महेंद्र सिंह रलावता, पुलिस अधीक्षक भवर सिंह नाथावत और पूर्व सरपंच लोहरवाड़ा गोवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने विचार व्यक्त किए। ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों राजपूत सरदारों ने समारोह में भाग लिया। सीकर के सेवत बड़ी गांव में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवत बड़ी में सोमवार को दानदाता किरण कंवर शेखावत ने नवनिर्मित विज्ञान भवन का फीता काट कर उद्घाटन किया। दानदाता रिटायर्ड नौसेना अधिकारी नरपन सिंह शेखावत ने विज्ञान भवन के लिए अपनी कमाई से 8,50,000 रूपए खर्च करके स्कूल में विज्ञान भवन का निर्माण करवाया और फर्नीचर लाइटिंग का संपूर्ण कार्य भी करवाया। इसके अलावा विद्यालय में पढ़ने वाली 100 छात्राओं को स्वेटर भी वितरित किए। श्रीमान नरपत सिंह जी द्वारा स्कूल में एक भवन का निर्माण किया गया, जो विज्ञान के छात्र थे उनके लिए प्रैक्टिकल की में समस्या आ रही थी, उसके लिए 7,500,000 रुपये लागत से इन्होंने बनवाया, और जो बच्चियां अभी नए न्यू एडमिशन हुए हैं उनके लिए पूरी के लिए स्वेटर वितरण उन्होंने किया है, और गांव स्कूल में जो भी प्रांगण में कोई भी कमियां होती है उनमें लगातार पैसे लगा रहे हैं। ये 2 साल पहले जो स्वेटर वितरण किया था उसके बाद मैंने अभी लास्ट विजिट में देखा कुछ बच्चियाँ अलग अलग स्वेटर में थी, तो मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा कि बच्चों के स्वेटर कहाँ गए, बोले ये नई ज्वाइन की है। फिर मैंने बोला ठीक है इनके स्वेटर का लिस्ट बना लो साइजेस भाई, और स्वेटर दे देते अभी सर्दी का टाइम स्टार्ट ही हुआ है, तो उस प्रकरण में आज ये स्वेटर है डिस्ट्रीब्यूशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है और उसको फलीभूत करने के लिए आदरणीय श्री भामा साहब जी बहुत तन मन से जुड़े हुए हैं, और इनका संगठन भी इस कार्य में सक्रिय योगदान है और बार बार पे हमें प्रेरित भी करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, और तन और धन हर प्रकार से विद्यालय के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और से सेवा करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।